नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नीलम रतन पहनने के फायदे। देखिए दोस्तों, जो नीलम रतन होता है यह एक नीले रंग का पारदर्शी पत्थर होता है, जो जैसे मोर के पंख का रंग होता है हल्का नीला, यह उस रंग का होता है। अत्यंत चमकदार और बिल्कुल चमकीला पत्थर होता है। इसकी पहचान क्या है वह हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। देखिए मित्रों, जो नीलम रतन होता है ये शनि का प्रतिनिधि करता है, यानी जो शनि देव हैं ये उनका प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों, जो शनि देव हैं ये मकर और कुंभ राशियों के स्वामी माने जाते हैं। अर्थात यदि किसी जातक की राशि मकर या कुंभ है तो उन जातकों के जो स्वामी हैं वे शनि देव होते हैं। अर्थात ऐसे जातकों के ऊपर शनि देव की या तो विशेष कृपा होती है या उनके ऊपर शनि देव की वक्र दृष्टि होती है। यदि ऐसे जातक जिनकी राशि मकर या कुंभ है, यदि ऐसे जातकों के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, चाहे वह नौकरी में संघर्ष कर रहे हो, उनको नौकरी न मिल पा रही हो, या वे व्यापार में संघर्ष कर रहे हो, उनका व्यापार न चल पा रहा हो, या उनके वैवाहिक जीवन में पारिवारिक जीवन में कई तरह की समस्या चल रही हो, उनके शरीर में कोई बीमारी आ गई हो, बीमारियों से उनको समस्या हो रही हो, या उनके जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो, उनका नौकरी में ट्रांसफर न हो रहा हो, या घर में कोई भी समस्या परेशानी चल रही है जीवन में, तो मित्रों जो ऐसे जातक हैं उनको शनि देव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि शनि देव की जब तक वक्र दृष्टि उनकी राशि के ऊपर से नहीं हटेगी तब तक वे अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो शनि देव की साढ़े साथी या अगर ढैया चल रहा है तो दोस्तों इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि ऐसे जातकों को नीलम धारण करना चाहिए। कम से कम 5.25 रत्ते का नीलम ऐसे जातकों को धारण करना चाहिए। जब ऐसे जातक 5.25 रत्ते या उससे अधिक नीलम धारण करते हैं तो शनि देव की जो वक्र दृष्टि होती है वो उनके ऊपर से हट जाती है तथा शनि देव की कृपा उनको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि केवल मकर और कुंभ राशि के जातक ही नीलम को धारण कर सकते हैं, अन्य जातक भी नीलम को धारण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ज्योतिष से सलाह लेनी पड़ेगी, किसी विशेष मुहूर्त में ज्योतिष से उपाय करवाकर उनको नीलम धारण करना होगा। नीलम धारण करते ही शनि देव की कृपा उनके ऊपर भी होनी शुरू हो जाएगी और वे अपने जीवन में सफलता हर क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मकर और कुंभ राशि के जातक हैं वे किसी से सलाह लिए बिना ही नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं, क्योंकि नीलम रत्न इन राशियों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए मित्रों, नीलम के बारे में ये कहा जाता है कि जो नीलम है ये भिखारी को भी रातों रात राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। और दोस्तों इसका विपरीत, इसका उल्टा भी है। जिस प्रकार नीलम भिखारी को राजा बना देता है मित्रों, उसी प्रकार नीलम राजा को भी भिखारी बनाने की सामर्थ्य रखता है। अर्थात यदि आप नीलम को बिना परखे धारण कर लेंगे तो मित्रों आपके जीवन में जो संपत्ति, जो संपदा, जो वैभव है, यश है, कीर्ति है, मान सम्मान है, दोस्तों कुछ ही समय लगेगा वह समाप्त हो जाएगा और एक राजा भी भिखारी बन सकता है। मित्रों, नीलम भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाने की सामर्थ्य रखता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मित्रों, नीलम को जब भी धारण किया जाए तो नीलम को धारण करने से पहले नीलम को अपने तकिए के नीचे रखा जाए। जो असली नीलम होगा वह 24 घंटे के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है। नीलम को जब आप तकिए के नीचे रखकर रात को सोएंगे तो मित्रों अगर आपको रात में अच्छे स्वप्न आए, आपको अच्छा महसूस हो, तो इसका मतलब है कि नीलम आपको शुभ लाभ, शुभ फल देने वाला है, आप नीलम को धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि नीलम को आपने अपने तकिए के नीचे रखा और रात को आपको बुरे स्वप्न आते हैं, स्वप्न ऐसे आते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया है या आपको चोट लग गई है या आपको कोई बीमारी हो गई है, घर में कोई समस्या आ गई है, तो मित्रों नीलम को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपको नीलम रास आ जाता है यानी आपको सूट कर जाता है तो मित्रों आपकी स्थिति कैसी क्यों ना हो, आपके पास
धन आने का चाहे कोई मार्ग हो चाहे ना हो। मित्रों, आपके पास लक्ष्मी आने का रास्ता ढूंढेगी और आप यकीन मानिए, आप रातों रात आप भिखारी से राजा बन जाएंगे। आपके पास संसार के समस्त धन ऐश्वर्य संपत्ति संपदा मान सम्मान और संसार के सारे सुख होंगे। आपके पास गृहस्थ सुख भी होगा और आपके पास संसार के जितने भी सुख हैं, भवन वाहन सुख इत्यादि आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, यदि आप नीलम धारण करते हैं और ये आपको रास आ जाता है, तो मित्रों जो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं उनको ये बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है, उनको यह नौकरी में स्थायित्व प्रदान करता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का बार बार ट्रांसफर हो रहा है और वह चाहता है कि उसका स्थायित्व उसे प्राप्त हो जाए, वह एक ही जगह रहे और उसका प्रमोशन हो, नौकरी में उसको तरक्की मिले, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे साधकों को नीलम जरूर धारण करना चाहिए। नीलम धारण करने से आजादी मिलती है और जिंदगी में एक वैभव आता है, एक राजसी सुख आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक राजसी सुख पाना चाहते हैं आप अपने जीवन में, तो दोस्तों आपको नीलम धारण जरूर करना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं तो मित्रों आप अपने जीवन में उन बुलंदियों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिन बुलंदियों तक आप पहुंचने की सपने देखते हैं, आप कामना करते हैं। यदि आप नीलम धारण करते हैं और ये आपको सूट आ जाता है, तो मित्रों कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में ये आपको मित्रों बिल्कुल रंग से राजा बना देगा, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर ले जाएगा और आपके जीवन में एक मान प्रतिष्ठा धन वैभव संपदा संपत्ति नौकर चाकर भवन वाहन सब कुछ आपके जीवन में होगा। तो मित्रों, ये नीलम से संबंधित कुछ लाभ थे जो आपको मिल सकते हैं। लेकिन मित्रों, अब कुछ बात आती है जो आपको ध्यान रखने की है, वो यह है कि नीलम जब आप धारण करें तो धारण करने से पहले आप ध्यान रखें कि यदि नीलम धारण करने के पश्चात आपके सिर में दर्द होता है, आपके सिर में भारीपन आता है या आपकी आंखों में दर्द होता है, तो मित्रों कभी भी आपको नीलम को धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि नीलम आपको सूट नहीं कर रहा है। इससे पहले कि कोई दुर्घटना घटे, आपका अपमान हो, क्योंकि नीलम यदि आपको सूट नहीं करता है तो यह आपके कहीं अपमान कहीं बेइज्जती भी करवा सकता है। यह मान सम्मान तो दिलाता ही है, सूट होने पर रास आने पर यह आपको मान सम्मान तो दिलाता ही है, लेकिन अगर ये रास ना आए तो यह अपमान भी करा सकता है। तो इसलिए इसको तुरंत उतार देना चाहिए, कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, मान जो आपका सम्मान है उसका अपमान भी हो सकता है, इसलिए इसे तुरंत उतार देना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर यह अपना शुभ या अशुभ प्रभाव दिखाता है, तो उसके अनुरूप ही इसे धारण करना चाहिए अथवा उतार देना चाहिए। इसके बाद मित्रों, अब आप जब नीलम लेने जाएंगे बाजार में तो उसकी पहचान क्या है, तो हम आपको कुछ पहचान बता देते हैं। दोस्तों, जो असली नीलम होता है, अगर आप उसे एक कांच के गिलास में दूध ले लीजिए, अगर आप दूध में नीलम को डाल देंगे तो जो दूध का रंग है वो भी हल्का हल्का नीला हो जाएगा। यानी जो नीलम है वो अपने प्रभाव से दूध के रंग को भी हल्का हल्का नीला कर देगा। अगर दूध के रंग में हल्के हल्के नीले रंग की झलक आनी शुरू हो जाए तो इसका अर्थ यह है कि नीलम बिल्कुल शुद्ध है, आप उसे ले सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार कांच के गिलास में पानी ले सकते हैं और पानी में नीलम डाल दीजिए। अगर पानी में से हल्के हल्के नीले रंग की किरणें निकलने शुरू हो जाएं, जैसे मोर का पंख होता है, तो मित्रों तो भी आप समझ लीजिए कि जो नीलम है वो बिल्कुल असली है। इसके पश्चात बात आती है नीलम को धारण करने की विधि। तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि नीलम रत्न धारण कैसे किया जाएगा। दोस्तों, आप बाजार से, किसी ज्योतिष से, किसी अच्छे प्रतिष्ठान से आप नीलम रत्न ले आइए। इसके पश्चात शुक्रवार को रात के समय आप एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें आप गाय का कच्चा दूध, ध्यान से सुनिएगा, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और कुछ मीठा मिश्री इत्यादि आप उसमें डाल दीजिए तांबे के पात्र में, और उसमें आप नीलम को डाल दीजिए। यानी गंगा जल, दूध और जो मीठे का मिश्रण था उसमें आप नीलम को डाल दीजिए, और जो आपका पूजा स्थल है वहां पर आप उस तांबे के लोटे को या तांबे के पात्र को ढककर रख दीजिए। ये आपको शुक्रवार की रात को करना है। शनिवार को सुबह जब आप उठें तो स्नान ध्यान करने के पश्चात जो आपका पूजा स्थल है वहीं पर आपको भगवान
शनिदेव का आपको ध्यान करना है, और शनिदेव का ध्यान करने के पश्चात आपको एक मंत्र बता रहे हैं, आपको इस मंत्र का जाप करना है 21 बार। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः। एक बार दोबारा सुन लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः। मित्रों, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करने के पश्चात आप जो नीलम रत्न था, यानी जो अंगूठी थी जो आपने सोने में अष्ट धातु में अथवा चांदी में जड़वाई हुई थी, उसे आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए और भगवान शनि देव का ध्यान करते हुए आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आप नीलम रत्न को आप धारण कर लीजिए। मित्रों, ध्यान रखना है, जो नीलम रत्न है अगर आप इसे सोने की अंगूठी में जड़वाएं तो सबसे उत्तम है, उसके पश्चात अष्ट धातु की अंगूठी में जड़वाएं तो भी ठीक है, और यदि दोनों ही ना हो सके तो चांदी की अंगूठी में तो आप इसे जड़वा ही लीजिए। सोने की अंगूठी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, दूसरे नंबर पर अष्ट धातु की अंगूठी आती है और तीसरे नंबर पर चांदी की अंगूठी आती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप इन तीनों में से किसी भी अंगूठी में आप जड़वा सकते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव जी का और शनिदेव का ध्यान करते हुए शनिदेव से प्रार्थना करते हुए कि हे शनिदेव, मैं आपके प्रतिनिधि रत्न को धारण करने जा रहा हूं, अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, मैं अपने जीवन में धन धान्य यश वैभव कीर्ति मान सम्मान को प्राप्त करूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दें। यह धारणा करते हुए, ये ध्यान करते हुए आप नीलम को अपने दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में, जो उंगली सबसे बड़ी होती है बीज की मध्यमा उंगली, उसमें आप धारण कर लीजिए, और जो वह कच्चा दूध और गंगा जल का जो मिश्रण था उसे आप शिवालय में जाइए, यानी अपने घर के आसपास मंदिर में जाइए और शिव जी के ऊपर उसे आप प्रवाहित कर दीजिए, शिव जी को अर्पण कर दीजिए। यदि आप मंदिर ना जा सके तो घर में ही तुलसी का पौधा होगा, तुलसी के पौधे में भी आप इस जल को, दूध वाले जल को आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये विधि थी नीलम को धारण करने की। इस प्रकार मित्रों, आप देखेंगे कि जैसे ही आप नीलम धारण करेंगे कुछ ही समय में, 2 से 3 महीने में 4 महीने में ही नीलम आपको लाभ देना शुरू कर देगा। मित्रों, यदि नीलम पहनने के पश्चात आपको ना तो लाभ हो और ना हानि हो, यानी आपका जीवन जैसे चला आ रहा था वैसे रहे, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि नीलम आपको सूट कर गया है, आपको रास आ गया है, समय आने पर वो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ लाभ देगा। यदि नीलम आपको कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब वह आपको शुभ फल देने वाला है, लेकिन अगर आपने नीलम को धारण किया और 24 से 48 घंटे में आपके साथ कुछ, भगवान ना करे, कोई दुर्घटना घटती है, कोई चोट लग जाती है, आंखों में कुछ समस्याएं लगती है, सिर में दर्द होने लगता है, तो मित्रों आपको नीलम तुरंत निकाल देना चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको पसंद आई होंगी, और हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जब आप नीलम रत्न धारण करें तो नीलम रत्न आपके जीवन में धन धान्य मान सम्मान यश वैभव कीर्ति लेकर आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी।